अमेरिका की हालात भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरह हो गई। जिस तरह से आज पाकिस्तान में सियासतदानों का झगड़ा चल रहा है, उसी तरह से अमेरिका में भी होने लगा है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चल गई। जिस तरह से जलसे के दौरान पाकिस्तान के अजीम लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के लीडर इमरान खान पर गोलियां चली थी, जिस तरह वो जख्मी हुए थे, उसी तरह जलसे के दौरान जब तकरीर कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन पर भी गोलियां चल गई। एक गोली लगी डोनाल्ड ट्रंप की बाजू पर, तो दूसरी कान को छूते हुए गुजर गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के गार्ड्स उसी वक्त उनके पास पहुंच गए और उनको वहां से निकाल कर ले गए, जिसकी वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। नास्रीन, अब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के ममालिक में सियासत का यही हाल चल रहा है। एक अगर खुद को ताकतवर समझता है तो दूसरे को वो बहुत कमज़ोर समझता है, लेकिन दूसरा उससे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसको अवाम की मकबूलियत हासिल है। जिस तरह पाकिस्तान में अवाम इमरान खान की दीवानी है, उसी तरह अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं और उनको ही अपना सदर देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर इमरान खान की तरह गोलियां चली, लेकिन उन्होंने भी इमरान खान की तरह ही हिम्मत का मुजाहरा किया ताकि उनकी अवाम परेशान ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने गोलियां खाई और हवा में मुक्का लहरा दिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इमरान खान को गोली लगी थी और उन्होंने अपनी अवाम के सामने मुक्का लहरा कर इस बात का इशारा किया था कि दुश्मन अपनी चाल में नाकाम हो चुका है।